अनुष्ठाइंस आज आपको मिलवाने वाले हैं कि जिन्होंने अभी हाल ही में अग्निवीर की जो रेस है वो कंप्लीट करी है और बहुत ही एक्सपर्ट है रेस में, दौड़ने वाले कई प्रतियोगिताएं रेस में जीत चुके हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि जब रेस आप लोग शुरुआत करते हैं, जैसे कोई बिगनर बच्चा है जिसको पहला दिन वो ग्राउंड पर जाता है, तो उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि कैसे वार्म अप करना चाहिए और सांस लंबे समय तक उसकी बनी रहे और वो एक अच्छे से रेस क्वालीफाई हो जाए कुछ ही कम समय में। तो आइए बात करते हैं कि जो हाल ही में अभी जिन्होंने रेस क्वालीफाई की है, तो पहले तो आप ये बताइए कि अगर कोई बच्चा पहली बार ग्राउंड जा रहा तो उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये कुछ मतलब खाली पेट ही होना चाहिए और मतलब नॉर्मल ही दौड़ना चाहिए। पहली बार जो है उसे नॉर्मल ही दौड़ना चाहिए, कम से कम 6 राउंड लगना चाहिए। पहली बार जो है वो बता रहे हैं कि खाली पेट आपको आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादातर सब बच्चों की शिकायत होती है सर पैरों में बहुत दर्द होने लगा और उनको ज़्यादा सांस बाम नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या उपाय है? सर ऐसा है कि जो फर्स्ट दिन आएगा उसकी मतलब पैर तो भर ही जाएंगे, मतलब फर्स्ट बार करेगा तो सर पैर ही भर जाएंगे ना। तो क्या उपाय होना चाहिए उसके लिए? तो सर मतलब महीने खान में मतलब ठीक हो जाएगा, उधर सिम्पेन का उखड़ता है। तो अच्छा, कोई आपके पास ट्रीटमेंट है घरेलू की, अगर वो पैर उसके दर्द हो रहे हैं तो वो क्या करें? जी बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, उससे मतलब ठीक हो जाएगा। अच्छा, रेगुलर उसको करना चाहिए। तो बर्फ़ से सिकाई आप कर सकते हैं, डरने वाली बात नहीं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि शुरू में जब पहले दिन आए हो तो पैर में काफ़ी दर्द हुआ होगा? जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने बर्फ़ से सिकाई की। तो इस समय आपने सबसे एक्सीलेंट रेस कितनी मारी जरा बता दीजिए बच्चों को। अग्निवीर में मारी थी और आज ये कॉलेज में भी मारते हैं। 1600 मीटर जो है वो अच्छे से मार चुके हैं, क्वालिफाई भी हैं। अच्छा ये बताइए, सांस सबसे ज़्यादा उखड़ती है बच्चों की और हाँपने लगते हैं, उसका क्या तरीका है कि कैसे लंबे समय तक दौड़ पाएँ? चने खाएँ, मुनक्के खाएँ और जैसे हर सब्जेक्ट भी खा सकते हैं, मतलब यूज़ करें तो नहीं सांस फूलेगी। अच्छा, मतलब जो है वो डाइट बता रहे हैं कि आपको मुनक्के वगैरह अच्छे से खाने चाहिए। अच्छा, अब सांस दौड़ते समय क्या रोकनी चाहिए, बाहर छोड़नी चाहिए, क्या होता है वो? सांस रोकनी चाहिए, मुंह से बाहर निकल, वो नाक से बाहर नहीं निकालनी चाहिए। मुंह से सांस मतलब खींचना चाहिए, नाक से बाहर निकालनी चाहिए। अच्छा, नाक जो मुंह से है आपको लेना चाहिए और नाक से खींचना चाहिए। और बहुत अब आगे भी हम बताएंगे, अभी ये खुद ही दौड़ेंगे, आपको बताएंगे कि कितने कम समय में ये कुछ दौड़ लगाते हैं। अभी मैं अब इनका ही वीडियो आपको दिखाऊंगा। शुरू हो गई है और अब मैं दिखाने वाला हूँ कि जो एक्सपर्ट है हमारे उनका टाइम कितना आ रहा है। और देखिए अभी 34 सेकंड हुए हैं और वो बस राउंड कंप्लीट ही होने वाला है उनका। तो बहुत बढ़िया रेस है, काफ़ी एक्सपर्ट हैं, कहां पर पहुंच गए हैं ये हैं, मिल गए हैं, बहुत बढ़िया मार रहे हैं। देखिए अभी कितना टाइम हुआ है, कितना हुआ है, 51 सेकंड हुआ है और कहां पे आ गए हैं ये देखिए, आपके पास में ही आ गए। बहुत बढ़िया, 400 मीटर का ये राउंड है और देखते हैं कितनी देर में मार लेते हैं ये। और ये देखिए कंप्लीट हुआ है 1:04 में। हमारे नए कैंडिडेट दौड़ रहे हैं, देखें कि इनकी कितनी रेस आती है। और देखिए अभी 46 सेकंड हुए हैं, अभी हमारे बिगनर हैं और कहां पर रह गए हैं, अभी वो काफ़ी दूर हैं लेकिन कोई बात नहीं, अभी वो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी, तो कुछ लग रहा है उनको प्रॉब्लम हो गई है, लग रहा कुछ कीचड़ वीचड़ लग गए हैं। तो 1 मिनट अभी हो चुका है लेकिन 400 मीटर अभी वो दौड़ रहे हैं और पहली बार आए हैं दौड़ने के लिए अभी। तो मेन चीज़ ज़रूरी है कि आपको रेस बांधना, और ये हमारे एक्सपर्ट गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई है शायद उनको, तो देखने के लिए जा रहे हैं। और आप हिम्मत मत हारिए, अगर आप कांस्टेबल CISF या फिर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, देखिए वो हेल्प करने के लिए गए हैं उनकी और मोटिवेट कर रहे हैं कि अच्छे से दौड़ें। और ये हमारे कैंडिडेट आ गए हैं, क्योंकि पहली उनकी रेस है तो इतना आसान नहीं होता है कि दौड़ना। और टाइम देखा देता हूँ मैं, 1:36 हो गया है और फिर भी अच्छा राउंड लगाया उन्होंने। और ये यहाँ पर बात है।